Back in the year 1998, Honda launched the city for the first time in the country. हालांकि जो फर्स्ट जेन सिटी थी जब फर्स्ट टाइम 1998 में लॉन्च हुई तब वो अपने आप को एक एंथुजियास्ट फ्रेंडली कार का दर्जा नहीं हासिल कर पाई, लेकिन सन 2000 में होंडा ने उसको दिया एक वीटेक इंजन विच श्योरली हेल्प्ड इट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एंथुजियास्ट फॉर इटसेल्फ. नाउ इन 2020 वी हैव द फिफ्थ जेन सिटी और इसको मिलता है एक 1.5 लीटर का आईवीटेक इंजन विच इज़ अ फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर. हालांकि कॉम्पिटिशन हैज़ मूव टू द टर्बोचार्ज 1000cc थ्री सिलेंडर सेटअप विच आर नॉट सो गुड ऑन द NVH लेवल्स और उनकी जो आवाज़ होती है वो भी इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती, लेकिन ये इंजन की आवाज़ और NVH लेवल्स स्कोर्स द हाइएस्ट मार्क्स. Also, it produces segment-leading power output of 121 PS और peak torque generate करता है 145 का and it comes mated to a 6-speed MT over here. So we are gonna find out if the city with a 1.5 liter naturally aspirated petrol motor and a manual gearbox is the perfect enthusiast delight in this performance review. बट इस परफॉर्मेंस रिव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ इसके परफॉर्मेंस, इंजन और गेयरबॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं. इफ़ यू वांट टू वॉच द फुल रिव्यू, आपको जानकारी चाहिए कि ये गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है, फीचर्स क्या क्या आते हैं, फॉर दैट यू कैन हॉप ओवर टू आ कंप्लीट रोड टेस्ट रिव्यू ऑन आर यूट्यूब चैनल. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनसाइड द कार. So now we are inside the Honda City and it is the petrol manual variant. So let's start. And you can hear the NVH levels की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी इंजन से कोई आवाज़ नहीं आ रही, there are no vibrations at all. So let's just put in the first gear and start moving. तो अब आप नोटिस कर पाएंगे कि इंजन थोड़ा सा वोकल ज़रूर हो जाता है हायर RPM से बिकॉज इट रेडलाइंस एट 6600 RPMs, लेकिन वहाँ पर ये पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है 121 PS का और पीक टॉक प्रोड्यूस करता है 145 न्यूटन मीटर्स का. बट विद दैट यू गेट अ सर्ज और जो कि लोअर RPMs, मिड रेंज और टॉप एंड पूरे टाइम पर आपको एक फ्लैट कर्व देखने को मिलेगा. तो आई वुड से कि लोअर एंड में इसका जो एक ग्रंट होता है वो काफ़ी अच्छा है, विच इज़ जनरली नॉट द केस विथ पेट्रोल इनलाइन फोर इंजन्स, क्योंकि उनमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दे प्रोड्यूस पावर ओनली एट द टॉप एंड RPM रेंज. बट दैट्स नॉट द केस हियर, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लो एंड एंड इवन बेटर मिड रेंज और उसी की वजह से इसकी जो ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी है और जो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. बट एज आई सेड, सिटी वॉज ऑलवेज एन एंथुजियास्ट डिलाइट बिकॉज इसका जो हायर RPM पे पावर सर्ज आता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी नीट. ऑल्सो आवाज़ के साथ जो सिंक होता है वो पावर सर्ज, तो और मज़ा आता है इसको चलाने में. And then moving over to the next chapter of this review, that is the clutch. तो बहुत light है, also progressive है, but on the flip side, जो इसका travel है वो काफ़ी ज़्यादा है और लंबे travel के वजह से when you're like making quick gear shifts, तो वहाँ आपको थोड़ा सा issue आएगा. But then that being said, it is really light, तो आपको city में कोई as such issue नहीं होंगे. Also अगर gearbox की बात करें क्लच के बाद, तो जो throws हैं वो थोड़े दूर हैं, तो I'd say कि ये थोड़ा long throw gearbox है. But the gates, they are well designed, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो gears पूरा actuation process है that is clunky और या फिर आपको issues हो रहे हैं gear slot करने में, तो that is not the case with this thing. You can easily change gears. And the sound, that is something जो मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि this engine actually sounds melodious. और अगर हम उसके बाद बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग इज़ लाइट बट इट वेज अप विद द स्पीड. तो जैसे आप आई वुड से कि 60 के बाद या 70 के बाद इट गेन्स अ वेट,
और जो फिर ये वेट गेन करने के बाद इसको एक अच्छी स्टेबिलिटी और एक अच्छा प्रिसीजन मिलता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसे लगेगा कि जो सेंटर है वहाँ पर ये स्टेयरिंग डेड है या फिर इट्स नॉट डायरेक्ट। तो इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ प्रिसाइज। बट अगेन ऑन द फ्लिप साइड जो इसके टायर्स हैं दे आर लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स। इट कम्स विद इकोपिया 155 सेक्शन टायर्स विद 55 एस्पेक्ट रेशियो फॉर द साइड वॉल्स। और रेडियस की बात करें तो 16 इंच रिम्स आते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में 15 इंच रिम्स आते हैं। बट दिस टायर्स दे नॉट ग्रिपी एंड जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको ये कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं बिकॉज द स्टीयरिंग व्हील इज रियली प्रिसाइज। जो आपको फीडबैक मिलता है उससे वो बहुत अच्छा है, बट टायर्स दे आर अ डाउनर। तो अगर आप लेन स्प्लिट्स कर रहे हैं या और यू ब्रेकिंग तो वहाँ पर टायर्स वुड पुट यू डाउन, क्योंकि उनके वजह से ABS हैज़ टू किक इन एंड यूड फील दैट ABS इज इंट्रूसिव। एक्चुअली इट्स नॉट, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टायर्स। सो बाय कार, अपग्रेड द टायर्स, आई थिंक यू वुड बी एट अ बेटर प्लेस। अगर बात करें ब्रेक्स की तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल बाइट। ऑल्सो फीडबैक और प्रोग्रेशन इज़ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। बट जो इसका सस्पेंशन है वो इस बार होंडा ने काफ़ी कंफर्टेबल साइड ट्यून किया है, लाइक ऑन द सॉफ्टर साइड। तो द फ्लिप साइड इज़ कि जो ब्रेक्स आप स्लैम करेंगे, लाइक यू स्लैमिंग ऑन द ब्रेक्स, तो आपको नोज डाइव देखने को मिलेगा। और उसका एक इशू ये होता है कि यू रन आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगेन आई वुड से कि जो ABS इंट्रूसिव लगेगा, इट ऑल ऑफ इट वर्क्स टुगेदर टू मेक दिस एक्सपीरियंस अ बिट बिटर। तो बट देन अगेन जो सस्पेंशन का पॉजिटिव साइड है वो ये है कि यू कम अक्रॉस पॉट होल्स, यू कम अक्रॉस स्मॉल स्पीड बम्प्स, आई वुड से इवन बिगर स्पीड बम्प्स, दे कैन बी टेकन विद ईज विदाउट वरिंग अबाउट द कार बींग बीच डाउन, या फिर ये आपको डर लग रहा हो कि कहीं लग जाएगी अंडर बेली, कहीं पर आप स्क्रेप कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बट सिंस दिस इज अ परफॉर्मेंस रिव्यू, वी आर गोना टॉक अबाउट इट्स हैंडलिंग। देन कमिंग बैक अगेन टू द स्टीयरिंग व्हील, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एट्रीब्यूट टू द स्टीयरिंग दैट इट्स रियली डायरेक्ट। आई एम गोना शो यू, सी। But then again, suspension does not work in conjunction with the steering, क्योंकि आपको यहाँ पर ना बॉडी रोल देखने को मिलेगा। सो इट्स लाइक द कार मूव्स अराउंड फेयर बिट, सो दैट इज़ वन थिंग दैट पुल्स मी डाउन फ्रॉम मेकिंग फास्ट लेन स्प्लिट्स और टेकिंग द कॉर्नर्स एट हायर स्पीड्स। बट देन आई थिंक विथ टाइटर सस्पेंशन और बेटर टायर्स, होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन कैन डू बेटर। अब आ चुके हैं हम इस परफॉर्मेंस रिव्यू के एंड की ओर, एंड आई वुड लाइक टू सम अप दैट फिफ्थ जन होंडा सिटी कम्स विद अ वेरी कैपेबल पेट्रोल मोटर। तो ये फोर सिलेंडर मोटर इज ट्रैक्टेबल इनफ, माइलेज भी अच्छा खासा दे देती है। ऑल्सो इट हैज़ दैट पर्टिकुलर इनलाइन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रेड लाइन होती है 6600 RPM पे, और उसी के साथ इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी सुरीली लगेगी जो लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं या जो प्योरिस्ट कैटेगरी में आते हैं। ऑल्सो जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी डायरेक्ट है और उसका रिस्पांस मुझे बहुत पसंद आया, एंड सो इज़ द केस विद द ब्रेक्स। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो है इसके टायर्स एंड द सस्पेंशन ट्यूनिंग, क्योंकि ये सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पर ट्यून किया गया है तो इट जिगल्स, इट वैलोज, इट रोल्स, इट पिचेस, इट यॉस, बट इट स्टिल इज़ अ वेरी कंप्लायंट राइड। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं विच कम्स विद वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन इट्स सेगमेंट ऑल्सो हैज़ द हैंडलिंग, तो आपको ये गाड़ी लेकर शायद थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ेगी इसके सस्पेंशन के साथ। बट इन इट्स स्टॉक फॉर्म आई डोंट थिंक इट इज़ द बेस्ट ड्राइवर कार अवेलेबल इन दिस सेगमेंट। दैट प्लेस इज स्टिल हेल्ड अप बाय द फोक्सवैगन वेंटो और द स्कोडा रैपिड। But in its stock form, it's a great family sedan with loads of space and a host of features. Lekin agar aapko ek aisi car chahiye which is fun to drive, there's still a room for some tweaks to make the 2020 Honda City one of the best driver cars in its segment. So this was all from my side. I'm your host Mohit Bhadwaj, and this is Honda City iVTEC with a manual gearbox taking a leaf from you guys.
But before that, if you like this video, do press the like button. Put down in your comments your thoughts, your questions. आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं या और किस गाड़ी का परफॉर्मेंस रिव्यू देखना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स, संबंधी, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो होंडा सिटी लेने का प्लान कर रहे हैं. ऑल्सो अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ़.